सिंदवाड़ा जिले के सोनसर में प्रांतीय महादेव मंदिर में शिखर कलश स्थापित किया गया है। सोनसर के मोहगांव हवेली सुप्रसिद्ध अर्धनागरीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने सरपा नदी तट पर महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज द्वारा स्थापित देश के दूसरे विजय पांडुरंग मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन महादेव मंदिर में बसंत पंचमी पर पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक के साथ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गोपाल वंजारी के हाथों से शिखर कलश स्थापित किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में वारावकी पांडुरंग भक्त एवं साथ में शिव भक्त मौजूद थे। ज्ञातत्व हो कि लगभग 7 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत श्री एकनाथ महाराज ने काशी प्रवास के दौरान यहाँ पर सरपा नदी तट पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने देश की दूसरी भगवान विजय पांडुरंग की मूर्ति भी स्थापित की थी व प्राण प्रतीक्षा की थी। देखिए खास रिपोर्ट IBN 24 न्यूज पर नितिन जायसवाल के साथ। शिवजी के मंदिर में विठल मंदिर के पास जो शिवजी का मंदिर है वहाँ पे कलश की स्थापना की गई और ये स्थापना डॉक्टर गोपाल वंजारी इनकी तरफ से ऐसे शुभ अवसर पर हुई। वसंत पंचमी के दिन ऐसे ही सबको उपलब्धि हो और आनंद हो। गाँव के अंदर सभी मंदिरों में एक धातु के कलश की स्थापना है, परंतु विठ्ठल मंदिर मोहगांव के अंदर एक मंदिर ऐसा था कि जहाँ कलश नहीं था। आज 26 जनवरी वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त पर आज गोपाल वंजारी इनके हस्ते आज यहाँ पर कलश भगवान शिव जी की पूजा अर्चना और अभिषेक के साथ ही एक कलश बनवाया गया और कलश के ऊपर में स्थापना की गई। आज यह क्षण बहुत ही अच्छा, वसंत पंचमी में इस मौके पर इतना अच्छा क्षण सभी लोगों की उपस्थित में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा मनोकामना पूरी करें और ऐसा ही सभी लोगों को प्रेरणा दे ताकि एक अच्छे से अच्छे काम भविष्य में सभी लोगों के हो सके और मंदिर का उद्धार हो सके। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, अर्धनारीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव।